हरिद्वार से बदहाली की ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो उत्तराखंड सरकार के विकास की पोल खोल रही है। दरअसल खानपुर विकास खंड में गंदा पानी सड़कों में जमा होने से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। कई बार मुख्यमंत्री से गुहार लगाने के बाद भी ग्रामीण गंदे पानी में चलने को मजबूर हैं। चलिए आपको भी बताते हैं तीरथ सरकार के विकास की पोल खोलती सड़कों का हाल। हरिद्वार में विकासखंड खानपुर के गांव मिर्जापुर सादात में अंबेडकर तिराहे पर पिछले 3 साल से गांव के गंदे पानी की निकासी नहीं होने से अब सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को गंदे पानी से आवाजाही करनी पड़ती है। इस दौरान लंबे समय से समस्या का समाधान नहीं होने के कारण ग्रामीणों की ओर से आक्रोश जताया गया। आपको बता दें कि ग्रामीणों की ओर से विकास खंड से लेकर जिले के अधिकारियों तक गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन प्रशासन की ओर से आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस दौरान डॉक्टर नरसिंह ने बताया कि गांव में जो गंदा पानी सड़क पर भरा हुआ है, उस पानी की निकासी के लिए नाला निर्माण किया जा रहा था, बावजूद इसके कुछ दबंग व्यक्तियों की ओर से रास्ते की जगह पर कब्जा कर लिया गया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि गांव की सड़क पर गंदा पानी इकट्ठा होने के कारण ग्रामीण गंदे पानी में चलने को मजबूर हैं और उन्हें इस पानी की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि गंदा पानी इकट्ठा होने से गांव में काफी बीमारियां भी फैलने की स्थिति बनी हुई है, लेकिन गांव की इस समस्या पर कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। हम डीएम के पास खानपुर उसमें विद्यालय ब्लॉक में कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस पानी की वजह से हमारे गांव में बहुत समस्या हो रही है। काफ़ी दिन तो हम लोग जो हैं दलित सेने के माध्यम से और गांव वालों के स्तर से भी हम लोगों ने डीएम साहब को भी दिया था ज्ञापन और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे उनको भी दिया, लेकिन यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी और SDM या कोई भी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा, जिसके दबाव में यहाँ के लोग पानी को महामारी होने के माध्यम से ये दलित बस्ती का विकास करना नहीं चाहते हैं और ये जो है केवल इनको भ्रमित करके लोगों को वोट भी ले लेते हैं और इनका कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं होता। आज 2 साल से हम लोग जो है बार बार सभी अधिकारियों के बीच में बड़े हुए हैं। अभी SDM साहब से DM साहब से हमने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में पटवारी ने अपनी रिपोर्ट दी, संदीप जी ने और विपिन जी ने भी दी है, जिसकी लंबाई चौड़ाई जो है वह 13 मीटर 56 सेंटीमीटर है और उसकी रास्ते की चौड़ाई 40 फीट है। इसको अवरुद्ध करते इसको और निरा करते हुए इन लोगों ने इसको बेचने का काम भी शुरू कर दिया है। यहाँ के लोग बड़े प्रसार इन लोगों को हीन भावना से देखना चाहते हैं। अगर इसी तरह से रहा तो दलित सेना और जो लोक जनशक्ति पार्टी के लोग और यहाँ के लोग इकट्ठा होकर के हम लोग जो है धरना प्रदर्शन के लिए माननीय मुख्य SDM साहब के यहाँ बैठेंगे। हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।